हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं चावल का खीर। वैसे भी आज हम मेरा बेटा का बर्थडे है, इसीलिए चावल का खीर बना रहे हैं, क्योंकि खीर बनाना शुभ होता है। यहाँ पर ही हम 1/4 कप हम चावल लिए हैं, जिसको हम भिगा के रखे हैं, इसीलिए वो आधा कटोरी बन चुका है भीग के। पहले हम इसको प्रेशर कुकर लेते हैं, प्रेशर कुकर में हम डाल दिए और 2 कटोरी हम पानी इसमें डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं, ताकि खीर में और नमक का कमी नहीं होगा। जब भी मीठा बनता है तो उसमें अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो स्वाद में इन्हेंस होता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। ये खीर जो है गाइस बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि सोचना पड़ेगा कि खीर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसी में किल हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। देखिएगा कि यहाँ पर हम 1 किलो दूध को बढ़िया से हम इसको आधा किलो तो नहीं 750 जितना उबाल के रख दिए हैं, मतलब कम करके रख दिए हैं। यहाँ पर ही हम काजू और किशमिश को ले लिए हैं, काजू सबको हम थोड़ा सा चंक्स के तरह काट लिए हैं। देखिए इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ही हम कढ़ाई बैठा चुके हैं, पहले इसको डाल के हम लोग फ्राई कर लेते हैं। देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल देते हैं। सारे फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश को निकाल दिए हैं। इधर हम कढ़ाई में दूध को ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इसी में बनाएंगे खीर। आज हम गुड़ वाली खीर बनाएंगे। ये पहले उबल जाने दीजिए दूध जो है। देखिए गाइस प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद ही हम इसको खोले हैं। ये देखिए चावल जो है बढ़िया से गल चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर ही दूध भी उबलने लग गया है, इसी में अब डाल देते हैं चावल सबको। अब इसको बढ़िया से मिला के बीच बीच में चलाते हुए इसको हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही हम इसको उबलने देंगे, ताकि दूध जो है बढ़िया से ठीक हो जाए। हम इसमें तेज पत्ता को डाल देते हैं। हम छोटा छोटा 4 तेज पत्ता को लिए हैं और 4 इलायची को हम कूट लिए हैं, उसको भी डाल देते हैं इसमें। सबको मिला लेते हैं। साइड साइड में जो मलाई सब जम जा रहा है उसको भी निकालते हुए इसको हम उबलने देंगे। ये सबको किनारे सबको आप निकाल लीजिएगा, ताकि दूध जो है बढ़िया से ठीक हो जाए। ये देखिए गाइस यहाँ पर हम गुड़ को डाल देते हैं। यहाँ पर हम खजूर गुड़ को ले रहे हैं, आप चाहें तो रेगुलर गुड़ को भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार गुड़ को ले लीजिएगा गाइस। हम इसमें थोड़ा दिए तो आप थोड़ा दे देते हैं, इतना मीठा हो जाएगा मेरे को लग रहा है। अब इसमें ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं, जो हम भून के रखे थे किशमिश और काजू को, और मिला देते हैं। खीर मेरा पूरा पूरी तैयार हो चुका है। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे ना गाइस, लग रहा ना जैसे मिल्क में डाले हैं, आप मेरा ही जैसी बनाइए। बिगिनर भी जो है जब कभी भी खीर नहीं बनाया होगा वो भी बना लेगा गाइस, इतना आसान रेसिपी है। ये देखिए देख रहे
कच्ची से छूट ही नहीं रहा है खीर, इतना बढ़िया मिल्कमेड जैसी। बिना मिल्कमेड का अगर मिल्कमेड जैसी बन जाए खीर तो क्या बात है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना गाइस, खीर का इतना अच्छा हुआ है, ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक फ्री में तुरंत पहुंच जाए। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस।